अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हिल्टी की मशीन है, कार्डलेस मशीन है, इसका मॉडल नंबर है SIW22A। इसके सर्किट को मसला है, ये चल नहीं रही, तो इसको खोल के देखते हैं कि इसका क्या मसला है और क्यों इसका सर्किट ख़राब हुआ है और क्यों ये चल नहीं रही। आइए इसको खोलते हैं। सबसे पहले इसकी बैटरी को खोल लेते हैं। उसके बाद से इसका जो आगे हेड लगा हुआ है, एक रबड़ का होता है, इसको हटा लें। इसका स्क्रू वगैरह नहीं होता, सिर्फ प्लास्टिक के लॉक बने होते हैं रबड़ के। इसकी लाइट होती है, अंधेरे में या डार्क जगह में काम करने के लिए एक काम आती है। आप इसको स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं। मेरे पास ये एलन की है। ये अंदर से हमारी मशीन है, इसका ये सर्किट आई थिंक काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको सप्लाई आ रही है लेकिन आगे से ये मोटर रन नहीं कर रही, तो इसका मतलब है हमारा यही सर्किट काम नहीं कर रहा। इसको खोल के देखते हैं। दोस्तों इसका सर्किट ख़राब है, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये रिपेयर तो हो नहीं सकता। बहुत ही बारीक इसके ये जो डायोड वगैरह लगी हुई हैं, रेजिस्टर बहुत ही बारीक हैं, ये मशीनें टांग के हैं, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इससे हमारे पास एक और पड़ा है इसका, इसको चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी दूसरे जो एक्सेसरीज हैं इसकी, वो जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। ये दोस्तों हमारे पास नया है, इसके साथ चेंज करते हैं और देखते हैं कैसा है। ये मलेशिया में 89 रिंगिट का मिलता है, जो पाकिस्तान में लगभग 3000 के करीब बनते हैं, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव सी मशीन है। एलटी इसकी बैटरी टाइम भी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इसके पार्ट्स भी बहुत महंगे होते हैं। तो कनेक्ट करके हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारे बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो किस हालत में हैं। इसको इधर एक दो स्क्रू लगा लें, उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये इसकी बैटरी है, बैटरी इसकी फुल है। इसका मॉडल बैटरी का पार्ट नंबर है B22 2.6 की है इसकी। ये 21 वोल्ट की है और 2.6 एम्पीयर है इसके हैं। ये मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बैटरी रिपेयर करना बताया था कि किस तरह बैटरी को रिपेयर किया जाता है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वो वीडियो जाके प्लीज़ देख लें कि बैटरी को किस तरह रिपेयर किया जाता है।
बिल्कुल दोस्तों सही काम कर रही है। ये इसकी लाइट होती है जो अंधेरे में काफ़ी अच्छी लाइट है इसकी। ये इसका इधर ये सामने इंडिकेटर नज़र आ रहा है, आपको जितनी स्पीड इसकी ज़रूरत है उतनी स्पीड में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये कम स्पीड है, दोस्तों ये अभी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। इसका सर्किट का ही मसला था जो हमने चेंज कर दिया है, अभी ये बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में आ गई है, अच्छे से काम कर रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।